अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शेख अहमद अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, कवाड़ीगुड़ा इलाके में कब्रिस्तान की 14 एकड़ ज़मीन थी, लेकिन तकरीबन ज़मीन को कब्जा किया गया और वहाँ पर कब्रिस्तान ना के बराबर है। इसी बात की इत्तला मिलने पर साबिक़ा एमपी सीपीआई जनाब सैयद अजीज़ पाशा और उस्मान बिन अल हाजरी यहाँ का जायज़ा लिए। बाद अज़ा मीडिया से बात करते हुए अजीज़ पाशा ने अपने गुस्से का इजहार किया और कहा कि जिस तरह से टीआरएस गवर्नमेंट कब्रिस्तानों को भी नहीं छोड़ रही है, ये ठीक बात नहीं। देखते हैं सपोर्ट। आज तो हमारे उस्मान हाजरी साहब और मैं, हम दोनों मिलकर यहाँ पर कब्रिस्तान सदर शाह साहब जो कवाड़ीगुड़ी में वाक़ है, जो अब तक जो है इसका जो इहाता कर देखे तो 14 एकड़ था, मगर वो घट के तमाम जो इसके ऊपर गैर कानूनी जो ये हुआ इस पे कब्जे हुए, इसके बाद देखे तो आधा हो गया वो 7। और इस 7 एकड़ जमीन को भी बचाने के लिए है कि कमेटी जो ना बहुत बड़ी कोशा है, तो इस बीच में हम क्या देख रहे हैं कि एक रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर तलासानी साहब जो है ना यहाँ पर डबल बेडरूम बनाने की सोच रहे हैं, जबकि बाजू ही ये डबल बेडरूम है जिसमें 25 खाली पड़े हुए हैं। अगर आपको इतनी हमदर्दी है तो यहाँ पर पहले एडजस्ट कीजिए। आज तक कहीं हमने नहीं सुना भाई कि कब्रिस्तान में जो है ना ये डबल बेडरूम या ऐसी स्कीमें लागू करते हैं, तो हम हुकूमत से ही अपील करेंगे कि आप जो है ना इस बात से दस्तबरदार होकर आप जो जिसको जहाँ पर रखना है, जहाँ बनाना वहाँ बनाइए, कब्रिस्तान उसकी जगह नहीं है। तो इसके लिए यहाँ की तमाम कमेटी और यहाँ के अहलिया ने महिला और अतराफ वकनाफ रहने वाले जितने भी अखिलती तबके के लोग हैं, तमाम इस मामले में बहुत बेचैनी की लहर दौड़ रही है। तो इसीलिए हम, मैं और हमारे उस्मान हाजरी साहब, मैं तमाम पूरे कमेटी के साथ बैठ के हम गुफ्तगुशनीद किए हैं और हम जो है ना हमारे चेयरमैन साहब से और जो है ना ईश्वरा साहब जो माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर हैं उनको और तलसानी साहब को भी कहेंगे कि भाई ये इस जरिए से जो है ना मसाइल हल नहीं हो सकते, इस मसाइल में और भी आप बखेड़े ठहरा करके ये काम ठीक नहीं करना है। आप इसको जहाँ पर रखना है वहाँ पर रखिए, ये कब्रिस्तान उसकी जगह नहीं है।